नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। गाजा युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट का युद्ध बन गया है। सीज फायर के बीच में ईरान ने इसराइल को विनाश की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ कह दिया है कि इसराइल ने जितने बम गाजा में गिराए, एक एक का बम का बदला ईरान इसराइल से लेने वाला है। इधर इसराइल ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इसराइल पर ईरान ने हमला किया तो ईरान का भी वही हश्र होगा जो गाजा का हुआ है। ईरान का ऐलान, इसराइल का विनाश शुरू। गाजा में भयंकर नरसंहार का बदला अब ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि भले ही हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का खूनी बदला जरूर लेगा। ईरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इजरायल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा, और अब इजरायल पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान इसराइल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है, और अभी ईरान हिजबुल्ला हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इसराइल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाजा और वेस्ट बैंक में कितनी भीषण तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइल सुरक्षा बलों यानी IDF ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है। कमांडर उमर अबू जल्ला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था। कमांडर उमर अबू जल्ला को इजरायली सेना ने हवाई हमले में मारा है। अब तक हमास के 70 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। कमांडर उमर अबू जल्ला से पहले दक्षिणी खान यूनुस बटालियन के कमांडर बिलाल अल कीदरा मारा गया था, जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं, जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादी और मोहम्मद कटमश को भी IDF मार चुकी है। इसराइल को नहीं बचा पाएगा सीज फायर। अब सवाल उठता है कि आखिर इसराइल के सामने ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसे हमास के साथ 4 दिन का सीज फायर करना पड़ा। ईरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान का यहां तक दावा है कि भले इसराइल अपने 70 सैनिकों के मरने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इसराइल के 10 से 20 गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके हैं। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 4 दिन के सीज फायर शुरू होने के साथ ही ऐलान कर दिया था कि गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का बदला लिया जाएगा। इसी को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें इसराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाई गई हैं। तेहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबरदस्त नारों के बीच इसराइल को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। در نجات مردم فلسطین اقدام تعیین کننده ای یا انجام دهد بر ناامیدی ملت ها از دولت ها و بیتابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده می شود. ایران کا اعلان، اسرائیل کا وناش شروع.
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है। इसके अलावा मोहाजर 10 अराश 2 ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार है जो इसराइली शहरों को तबाह कर सकते हैं। همه مردم آماده هستند برای مقابله با اسرائیل و اینکه فاتحه اسرائیل را یک بار برای همیشه بخوانند. امیدواریم براش عبرتی باشه، دست از شرارت ها برداره. हमास का साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इसराइल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इसराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक है। इसराइल की 4.65 लाख के रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इसराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब ऐसे हालात के बीच इसराइल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है। כך חנה קציר היקרה ששבה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. בעזה, בשעות הבוקר, כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה. המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה. ביטחון הלוחמים שלנו... लेकिन ये भी सच है कि गाजा पट्टी को 60% तक इसराइल तबाह कर चुका है। इधर 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा के इमारतों में दफन हैं। लगभग 50 दिन की जंग में इजरायली वायुसेना ने 35,000 से ज्यादा बम उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं। 70 से ज्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानी ईरान के साथ मिलकर इसराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास की लीडरशिप को साफ कर दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में इसराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनन के हिजबुल्ला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן... גאזה में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जरा देखिए कैसे। इजरायल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्ला के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इजरायल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। انا
אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजराइल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचाती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास सहत गोलों और विस्फोटकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट का भी इस्तेमाल हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही है। कुल मिलाकर ईरान गाजा में इजराइल से खूनी बदले लेना शुरू कर चुका है। अब देखना होगा इजराइल एक साथ हमास, हिजबुल्ला और ईरान को हमले का जवाब कैसे देगा और सीज फायर के बाद ईरान इजराइल पर किस तरह के घातक हमले करेगा। इजराइल की टेंशन ईरान ने बढ़ा दी है। ईरान ने जिस मिसाइल का पोस्टर एक साल पहले दुनिया को दिखाया था, अब इजराइल को डर है कि इस मिसाइल से उसके दो शहरों को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, यानी एक ही झटके में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। सन्नाटे को चीरती मिसाइल का शोर हुआ। आवाज से 5 गुना रफ्तार वाली मिसाइलें लॉन्च होने लगी और फिर जमीन पर जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि जलजला आ जाता है। आग की लपटों के साथ जमीन का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो क्लिप से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। पहली मिसाइल दूसरी मिसाइल तीसरी मिसाइल एक के बाद एक 3 मिसाइलें टारगेट पर छोड़ी जाती हैं और फिर तीनों अपने टारगेट पर कुछ इस तरह गिरती हैं। धमाका नंबर 1 धमाका नंबर 2 धमाका नंबर 3 धमाका ईरान में किया गया, लेकिन इसकी आवाज तेल अभी तक पहुंची। इस ब्लास्ट का शोर हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी सुना गया। इतना जोरदार धमाका था कि नेतन्याहू और बाइडेन का दिल बैठ गया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल वार और पलटवार के लिए तैयार। इस घातक हथियार की रेंज, इसकी रफ्तार, सब कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ईरान अब दुनिया को बताना चाहता है। ईरान की ऐसी मिसाइल का पोस्टर एक साल पहले छप गया था। तेहरान की सड़कों पर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मिसाइल की फोटो, साथ में टारगेट का नाम फारसी और हिब्रू में पोस्टर में लिखा था।
400 सेकंड में टारगेट तेल अवीव ध्वस्त। यह है ईरान की फतह 2 मिसाइल, रेंज 1.5 से 2,000 किलोमीटर, यानी ईरान से इसराइल तक यह हमला करेगी और इसे रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, या कहें कि आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। फतह का फारसी में मतलब होता है विजेता, और ईरान इसी नाम के जरिए नेतन्याहू को एक संदेश देना चाहता है। गाजा में हो रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत को लेकर ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सबने सवाल पूछा कि मिसाइल है तो ईरान किस बात का इंतजार कर रहा है। ये बात साफ है कि फतह का टारगेट इसराइल है। पिछले साल नवंबर में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को, यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इसराइल को तबाह कर सकती है, यानी इसराइल को सिर्फ 400 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया गया। और अब फतह 2 सबके सामने है। هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم. تخیفنا ولم تخفنا فی الله اکبر الله جندی. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक सबको जिसका इंतजार था। मिसाइल की दुनिया में ईरान का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर तेल अवीव और पेंटागन की पैनी नजर थी। मिसाइल की ईरान की ताकत देखने के लिए दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खामेनेई ने पहले इसी मिसाइल का एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर मुआयना किया, और फिर ईरान ने जोरदार बारूदी धमाका करके दोस्त और दुश्मन सभी को अपनी ताकत का सबूत दे दिया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की सुगबुगाहट पिछले एक साल से हो रही थी। 6 जून 2023 की तारीख ईरान के इतिहास में पत्थर पर लिखी इबारत बन गई, क्योंकि तब ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। मिसाइल का नाम रखा फतह। ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने दिया है। رئیس جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست. ईरान ने पश्चिम एशिया में अपने मोहरों से इसराइल की घेराबंदी की हुई है। ईरान बार बार इसराइल को धमकाता रहता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने एक बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल के टारगेट पर इसराइल का तीसरा बड़ा शहर हाइफा है, जिसे इसराइल का गेटवे भी कहा जाता है। इसराइल की अर्थव्यवस्था में हाइफा शहर का अहम योगदान है। यहाँ इसराइल का एक पोर्ट है जहां समुद्री रास्ते से आने जाने वाले सामान आते हैं। फतह मिसाइल के नजरिए से देखें तो ईरान से हाइफा की दूरी 2000 किलोमीटर है, और सीरिया से तो हाइफा की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन लेबनान से हाइफा की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। फतह 2 मिसाइल 1400 किलोमीटर से भी दूर जा सकती है। यह मिसाइल के वॉरहेड के वजन पर तय होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है,
कि अगर ईरान हाइफा को अपनी जमीन से निशाना बनाएगा तो क्या ईरान के पास 2000 किलोमीटर से दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो हाइफा को निशाना बना सकती हैं, या फिर ईरान सीरिया और लेबनान से इसराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान की सेना और सरकार ने दावा किया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ से अब दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले हजार बार सोचेगा। अमेरिका भी इसराइल को बचा नहीं पाएगा। नर्ब अमरीका व इंग्लिस व आलमान و فرانسه مشخصاً و بعضی دولت‌های منافق در کنار آنان، اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردند، اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها. सवाल है कि क्या गाजा की आग अब तेल अवीव वर्सेस तेहरान में भड़कने वाली है? क्या ईरान अपने दम पर इसराइल को हरा सकता है? और क्या फतह मिसाइल ने उसे वो भरोसा दे दिया है? صنایع دفاعی و موشکی و نظامی بومی شده، وارداتی نیست که بشه با تهدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو. حال که سالوں میں ایران پشم ایشیا میں ایک بڑی شکتی بن کر ابھرا ہے۔ ایران نے اپنے ورچسو بڑھانے کے لیے پورے علاقے میں اپنے ساتھ کئی دیشوں کو بھی لامبند کیا ہے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے فتح 110 مسائل پہلے سے ہی لبنان میں حزب اللہ کے پاس ہے جو آسانی سے حائفہ کو ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ खबरें तो ऐसी भी हैं कि ईरान ने अपनी फतेह 110 और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल को सीरिया में तैनात कर दिया है।